एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कान पकड़ेगा अभिमन्यु, मांगेगा अक्षरा से माफी, टूटेगा मंजरी का घमंड, क्योंकि अब खुद उसका बेटा उसे देगा 440 वोट का झटका। वेल दोस्तों, क्या कुछ होने वाला है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में, चलिए हम आपको पूरी खबर बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप जरूर करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी ने धीरे धीरे सारी हदें पार कर दी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अबीर को अपने पास रखना चाहती है, बेशक उसके बदले में अक्षरा को कितना ही दर्द क्यों ना पहुंचे और अबीर कितना ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन वो उस बच्चे की मानसिकता को भी समझने की कोशिश नहीं कर रही है। इसे प्यार नहीं, इसे स्वार्थ कहते हैं। और ऐसे में अक्षरा परेशान हो जाएगी। अक्षरा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है, क्योंकि मंजरी ने उससे अधिकार छीन लिया है शनिवार इतवार को भी मिलने का अपने बच्चे से। लेकिन अब यहाँ पर अभिमन्यु का जमीर जाग जाएगा। अभिमन्यु जो बिल्कुल भी अपनी माँ के जैसा नहीं है और उसे पता है कि कितना प्यार करती है अक्षरा अबीर से और अबीर अक्षरा से। जी हाँ दोस्तों, अब अभिमन्यु अक्षरा के लिए बड़ा कदम उठाएगा, अबीर की खुशियों के लिए बड़ा कदम उठाएगा। जहाँ एक ओर आपको ये देखने को मिलने वाला है कि मंजरी अक्षरा और अबीर के खिलाफ जाकर कस्टडी केस की शर्त को कि माँ बाप से आप वीकेंड पे मिल सकते हैं खत्म करवाएगी, वहीं अभिमन्यु को जब ये पता चलेगा तो अभिमन्यु बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा जैसे मानो उसकी आत्मा को किसी ने झिंझोर कर रख दिया हो। और उसके बाद वो जाएगा गोयनका हाउस में और कान पकड़कर माफी मांगने वाला है वो अक्षरा से, और ये कहने वाला है कि अक्षरा तुम और अभिनव अबीर को यहाँ पर रख सकते हो और तुम लोग कसौली मत जाओ। मैं समझ सकता हूँ कि एक माँ के लिए एक बच्चे से दूर रहना कितना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये सब सुन के मंजरी को झटका लगने वाला है और अक्षरा साफ साफ बोलने वाली है कि अब बहुत देर हो चुकी है अभिमन्यु, क्योंकि मैं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी हूँ और मैं अब ये जंग हाई कोर्ट तक लेकर जाऊंगी और अपने बेटे की कस्टडी को मैं हासिल करके रहूंगी। अब होगी मंजरी की दोहरी हार। एक तरफ तो उसके बेटे के सामने आ चुका है उसका असली चेहरा और दूसरी तरफ अब अबीर का केस हाई कोर्ट पहुंचेगा। आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।